अस्सलाम वालेकुम, हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज का जो टॉपिक है वो हमेशा की तरह एक मैथ का क्वेश्चन। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC ने ये एक पेपर लिया था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 2022 में। तो पेपर का नाम है असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसेसिंग, 17वां ग्रेड था। ठीक है, क्वेश्चन उन्होंने पूछा है जी 0.75:x प्रोपोर्शनल 5:8, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। कह रहे हैं कि जी ये क्वेश्चन है, इसमें हम ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, ये तीन चार जवाब उन्होंने दिए हैं, इनमें से कोई एक। ठीक है, तो इसको हम बाकायदा तौर पे हल करेंगे, सोल्यूशन निकाल के उसके बाद ही हम इसका जवाब बताएंगे कि इसका जवाब क्या है। ठीक है, चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले जी ये 0.75:x प्रोपोर्शनल 5:8। ठीक है, अच्छा प्रोपोर्शनल में ये रूल होता है कि नज़दीक वाले को आपस में ज़रब दे दें इन दोनों को। ठीक है, ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे और दूर वालों को आपस में दे दो। अच्छा, ये हो जाएगा जी 5x इक्वल है जी 8:0.75। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इधर ही रहने देंगे, 8:0.75, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जी ये जो इशारी है ना, ये हमने ख़त्म करना है, तो इसके नीचे एक लगा के आगे जितने भी इंच से वो हम जीरो लगा देंगे। ठीक है, अच्छा 8:75, तो ये जैसे ही इशारिया ख़त्म होगा ना, तो ये ऊपर वाला इशारिया ख़त्म होकर पूरा एक डिजिट बन जाएगा, वो हमने 75 लिख दिया। 5 वैसे नीचे और वो जो नीचे 1 और आगे 2 थे तो 2 0। ठीक हो गया, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 75 को, तो ये हो जाएगा जी 600 और नीचे आ जाएगा जी 500। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये हम करेंगे जी, ये 600 और 500 ये 2 सिफर ऊपर वाले नीचे से कट जाएंगे, तो 6/5 आ जाएगा। और जब हम इसको हल करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं इधर हल कर देता हूँ कि इधर हम लिख लेते हैं रफ 6 अंदर रख के 5 एकम 5, 1 इशारे लगा के 0 लेंगे 5 दूनी 10। ठीक है ना, तो हमारा जवाब आ जाएगा 1.2। ठीक है, अभी हम उसमें देखेंगे कि कौन सा जवाब है। 1.2 ये जवाब है जी बी, ये हमारा राइट आंसर है, तो ये हमने टिक कर दिया। ठीक है, उम्मीद है सवाल की समझ आ गई होगी। कोई स्टेप किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको तफसीली जवाब दे दूँगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।